गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इस टॉपिक्स पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कुछ, ठीक है, एग्जांपल हाइड्रोजन एटम पर, बट इसका फिर से आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पर, कि इसमें क्या है कि आपका इसकी क्वांटिटिव जो प्रॉपर्टी है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, वो आपके सिलेबस में से रिमूव की गई है। ठीक है, अपने आरबीएससी बोर्ड से सिलेबस, जो न्यू सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से इसकी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो आप होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के यहाँ पर जो एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ओनली उसकी क्या है यहाँ पर क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको रिमूव हो गई है। ठीक है, बाकी आपको इनके होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पर आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आज अपन जो ले रहे हैं वह है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है वो बाय द टू हाइड्रोजन एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू हाइड्रोजन एटम। तो सो हेयर टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म ठीक है, वन इज सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड अदर वन इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आप इसको कंप्लीट लिख लीजिए, ए बी एम ओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंड हेयर टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन टू। तो हेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू, नॉन बॉन्डिंग इज जीरो अपॉन टू, इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर वन। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब वैल्यू क्या आती है, बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो सो इट मीन स्टेबल मॉलिक्यूल, यानी कि इसका अस्तित्व है। ठीक है, जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आएगा मतलब क्या है कि वो वहाँ पर मॉलिक्यूल ऐसे फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, और नेक्स्ट आती है इसका नेचर आता है मैग्नेटिक नेचर। तो हेयर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज जीरो, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो नेचर क्या रहेगा, डाईमैग्नेटिक। ठीक है, ये इसके आपको थ्री पॉइंट्स पर आपको डिस्कस करना है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। फर्स्टली आप यहां पर बॉन्ड किस तरह के कौन कौन से फॉर्म होंगे, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फिर बॉन्ड ऑर्डर बताना है, और फिर आपको यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पर, यानी कि आप यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आप यहाँ पर क्या किसको डिनोट करेंगे, इसकी मैग्नेटिक नेचर। देखिए आप नोट से देखिए, आप इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम, ईच हाइड्रोजन एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन वन एस ऑर्बिटल्स। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हाइड्रोजन के क्या है, वन एस वन। Therefore, in all, there are two electrons in the hydrogen molecule, which are present in sigma bonding 1s molecular orbitals. Electronic configuration of hydrogen molecule is H2. Hydrogen molecules के लिए आपको sigma bonding 1s2, ठीक है? ये square मत बोलना इसको, आप 2 बोलेंगे यहाँ पर। The bond order of hydrogen molecule can be calculated as कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी, बीओ बॉन्ड ऑर्डर एन बी माइनस एन ए आपको डिनोटेड पता ही है, तो ये वैल्यू शो करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आई, वन। दिस मीन दैट इज द टू हाइड्रोजन एटम आर बॉन्डेड टुगेदर बाय ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर मीन यहाँ पर क्या है, वन है तो सिंगल बॉन्ड, टू है तो डबल बॉन्ड, और थ्री आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर वन है सो सिंगल बॉन्ड। फिर अब बात आएगी अब इसकी मैग्नेटिक, द
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज बीन फाउंड टू बी 438 किलो जूल पर मोल एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वल टू 74 पिकोमीटर सिंस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अभी आ जाएगा मैग्नेटिक नेचर पर. नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयरफॉर इट इज डाई मैग्नेटिक इन नेचर. डाई मैग्नेटिक, ठीक है. नेक्स्ट आपको हीलियम मॉलिक्यूल्स पर अपन डिस्कस करते हैं. अब आप इनके बॉन्ड ऑर्डर से आप ये कैलकुलेट करके अपने यहाँ डिटरमाइन करके ये बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, यानी कि ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकता है या नहीं है, पॉसिबल और इम्पॉसिबल, ठीक है. तो हीलियम मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर क्या होगा, टू हीलियम मॉलिक्यूल कंबाइन एंड फॉर्म हीलियम, टू हीलियम एटम कंबाइन ईच अदर एंड टू फॉर्म हीलियम मॉलिक्यूल्स. हीलियम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2. सो हेयर क्या होगा कि टू टाइप मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म एंड हीलियम मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. सिग्मा बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स मीन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड इट हैव आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ये इसमें क्या है कि 2 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. टोटल क्या है यहां पर, 1s2 प्लस 1s2, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होंगे, शेयर हो जाएंगे, ठीक है. अब इसका आता है बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Nb-Na/2. बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2/2. तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 0. इट मीन अनस्टेबल, ठीक है. मैग्नेटिक बिहेव पर डिस्कस करें अपन, तो मैग्नेटिक बिहेव में क्या है, हेयर इज नो सिंगल इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है. तो सो इट्स मैग्नेटिक नेचर इज क्या रहेगा, डाई मैग्नेटिक, ठीक है. देखिए आप यहां पर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम एटम इज 1s2, ठीक है. Each helium atom contain 2 electrons, therefore is 2 helium molecule, there would be 4 electrons. These electrons will be accumulated in sigma 1s and sigma bonding 1s and sigma antibonding 1s molecular orbitals, leading to electronic configuration. तो ये helium molecule का electronic configuration मैंने आपको बता ही दिया है अभी, ठीक है. बॉन्ड ऑर्डर इज 2-2/2 इक्वल टू क्या जाएगा, 0. हीलियम मॉलिक्यूल इज देयरफॉर अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. यानी कि अनस्टेबल है, इट मीन यहाँ पर क्या है कि हीलियम मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है. तो सो हीलियम जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर स्टेट में फॉर्म नहीं होता है, फाउंड नहीं होता है, बट क्या है कि ओनली ये सिंगल एटम में क्या है, स्टेबल है, ठीक है. तो इस रीजन से क्या है कि आप हीलियम का जहाँ भी आप हीलियम लिखते हैं एच ही लिख देते हैं, ओनली Hg2 कहीं पर भी नहीं लिखेंगे, ठीक है. सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट बेरिलियम B2 मॉलिक्यूल, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, एज आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना. क्योंकि बेरिलियम कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है. तो यहां पर क्या है, 1s2 और 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, बेरिलियम का, बेरिलियम एटम्स का. तो वहां पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह से यहां पर फॉर्म करेंगे, ठीक है. तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पर क्या आएगा, 0. बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल अमाउंट में है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, यहां पर भी 0 आएगा, और उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है. बॉन्ड ऑर्डर से आप नेक्स्ट एग्जांपल आता है आपके पास,
हीलियम, सॉरी लिथियम मॉलिक्यूल, लिथियम मॉलिक्यूल। अब फर्स्टली आप लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, फिर लिथियम मॉलिक्यूल्स में क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फॉर्म हो जाएंगे। तो लिथियम इसका ये क्या है सिंबल, और ये थर्ड नंबर पर है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s1 है। एल आई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एल आई मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। सो हेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताएंगे तो क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, ठीक है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 और सिग्मा सॉरी बॉन्डिंग 2s2, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा मॉलिकुलर स्टेट में, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फॉर्म होंगे, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर नॉन बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, 2 और 2, ये बॉन्डिंग है, ठीक है। माइनस एंटी बॉन्डिंग क्या है 2/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/2 यानी कि 1, तो इट मीन स्टेबल, ठीक है, स्टेबल है, ठीक। इसके अलावा फिर आप इसकी मैग्नेटिक नेचर पर डिस्कस करेंगे, तो इसमें क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि हेयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, सो इट इज डाइमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। कि लिथियम जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिथियम मॉलिक्यूल में क्या है कि कोई भी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इस रीजन से ये क्या है डाइमैग्नेटिक है। बट लिथियम एटम की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इन दिस कंडीशन इट इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। एटम इज पैरामैग्नेटिक बट मॉलिक्यूल इज डाइमैग्नेटिक, रीजन एटम हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट मॉलिक्यूल हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर नोट से देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इज 1s2 or 2s1, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन लिथियम मॉलिक्यूल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल देयरफॉर इज 1s सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 और सिग्मा बॉन्डिंग 2s2। द अबो कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो रिटन एज KK, यहाँ पर KK मीन यहाँ पर क्या है कि 2K सेल इज कंप्लीटेड, ठीक है, K ऑर्बिटल, आप जो KLMN जो आपको बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर ये क्या है इसका फर्स्ट सेल है K सेल, ठीक है, तो यहाँ पर 2K सेल हो गए फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ये कंप्लीट हो गए, ये हो गया। वेयर KK रिप्रेजेंट द क्लोज K सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, K सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज ये बॉन्ड ऑर्डर आपको मैंने कैलकुलेट कर दिया है 1 आएगा, तो सो इट मीन क्या है स्टेबल, इट मीन दैट लिथियम मॉलिक्यूल इज स्टेबल एंड सिंस इट इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट शुड बी डाइमैग्नेटिक, ठीक है, रीजन आपको बता दिया है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्बन मॉलिक्यूल, अब कार्बन मॉलिक्यूल पर अपन बात करें तो कार्बन मॉलिक्यूल्स का जो कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है 1s2 2s2 और 2p2, कार्बन कितने नंबर पर है 6 नंबर पर है, तो इन दिस कंडीशन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बट यहाँ पर क्या है 1 sigma and 1 pi बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे p ऑर्बिटल से 2p x1 और 2p y1, तो 1 ऑर्बिटल इज ओवरलैप इन एक्सियल, ठीक है, एंड अदर वन इज पार्शियल लेयर लेटरल, ठीक है,
अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, सॉरी आपको ये अभी मैंने पूरा नहीं बताया, अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिस्कस करेंगे अभी। तो ये तो हो गया कार्बन किसके लिए, एटम के लिए, बट आप कार्बन मॉलिक्यूल्स के लिए आप यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, ठीक है, फिर आपका आएगा सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर उसके बाद आपका आएगा 2π, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में होगा, तो पाई 2px2 और पाई 2py, ठीक है, ये क्या रहेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ठीक है। इस तरह से आपका नेक्स्ट यहां पर क्या आएगा, एंटी बॉन्डिंग में इसके पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहां पर C2 मॉलिक्यूल्स का आप यहां पर क्या बताएंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज 1/2, ठीक है, ये आप डायरेक्टली लिख लें। अब यहां पर बॉन्डिंग 2, 2, 2 और 2, तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 8 एंड माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 and 2, 4/2, तो आप इसको सोल्व करेंगे 4/2 क्या जाएगा, 2, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2, मीन यहां पर क्या है, बिटवीन कार्बन कार्बन इज डबल बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 2 मीन यहां पर क्या है कि यहां पर कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या है, 2 बॉन्ड यहां पर, डबल बॉन्ड यहां पर फॉर्म होंगे, ठीक है, 1 pi and 1 sigma बॉन्ड। बट हेयर इज और बोथ डबल बॉन्ड यानी बोथ बॉन्ड आर पाई बॉन्ड, वो कौन सा है, 2px और 2py, ठीक है ना, पाई 2px और 2π 2py बॉन्ड फॉर्म होगा, और इनसे क्या है कि जो इसकी अदर बैलेंसी है कार्बन की, वो सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या अदर सब्स्टिट्यूट के साथ जो भी बॉन्ड बनाएगा तो उस कंडीशन में ये यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसके बाद आप इसके मैग्नेटिक बिहेव पर बताएंगे, मैग्नेटिक नेचर, तो हेयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट्स नेचर इज डाई मैग्नेटिक, ठीक है, तो ये कार्बन मॉलिक्यूल पर है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।